द न्यूज नाउ लाइव अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कुछ देर पहले ही एक खबर साझा की थी कि हवा थी खबर में, एक ये कहा जा रहा था कि सज्जाद लोन की पार्टी में हिलाल राठर शामिल होने वाले हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामने वाले हैं हिलाल राठर, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाकायदा इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है और हिलाल राठर रहीम राठर के सपुत्र आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक नामी हिस्सा बन चुके हैं। उनका स्वागत करते हुए सज्जाद लोन ने कहा कि ये मेरे छोटे भाई की तरह हैं, जिनका इंतजार हम पिछले 15 साल से कर रहे थे। क्या रहेगी सियासी सरगर्मियां अब कश्मीर में इन हालात के बाद, जब लोग एक के बाद एक नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का हाथ थाम रहे हैं। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं शबरेज फोनलाइन पर। शबरेज, जानना चाहेंगे कश्मीर के सियासत की क्या स्थिति रहेगी अब इतने बड़े फेरबदल के बाद। देखिए, स्थिति की जहां बात करते हैं, जो 70 सालों से पार्टियां यहां पर बनी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, वो आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगी है और टूटने लगी है। यहां पर लोग जो है विश्वास ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे करते थे, लेकिन आस्ते आस्ते वहां के जो अहम नेता थे, वही जम्मू कश्मीर, जम्मू के अहम नेता देवेंद्र रैना, कुछ दिन कबल उन्होंने भी वहां से इस्तीफा दिया। उसके बाद आज एक और पार्टी से चले गए, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो नई पार्टियां यहाँ पर सरगर्म हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो अपनी पार्टी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट हो, इन तीन पार्टियां जो है ये इस वक्त ज्यादा वे में है, ज्यादा वे में चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जहां एक तरफ से जहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आना और उसमें ये बताना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इज्जत की सोच रही है, जिन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों की फिक्र है। बाकी कौन जाए, किस पार्टी में जाए, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, जब तक उमर अब्दुल्ला है, तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीतेगी जम्मू कश्मीर में। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। लेकिन कहीं ना कहीं अब शबरेज दावे बहुत किए जाते हैं, हर किसी सियासी पार्टी का यही एक मकसद रहता है कि वो कोई ना कोई ऐसा दावा, खास दावा करें, पुरजोर दावा करें, जिससे कि आने वाले इलेक्शंस में उन्हें कामयाबी हासिल हो। लेकिन इस समय की जो ये स्थिति हम देख रहे हैं, इस समय का जो ये सबसे बड़ा फेरबदल हम देख रहे हैं, क्योंकि हिलाल राठर के पिता पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कदावर नेता रहे हैं, रहीम राठर के पुत्र इतना बड़ा कदम उठाते हैं और वो ये कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि ये उनका निजी निश्चय था, निजी निर्णय था, ये उनका पर्सनल डिसीजन था, इसमें उन्होंने अपने पिता रहीम राठर से कोई सजेशन नहीं मांगी। कितना बड़ा आप समझते हैं, कितनी बड़ी चुनौती बनकर ये एनसी के सामने हिलाल राठर इस समय खड़े हो सकते हैं? चुनौती उस वक्त भी थी एनसी पर, जब उनके एक अहम नेता जम्मू से चले गए, उस वक्त भी एक बड़ी चुनौती थी, आज भी चुनौती है। लेकिन अब भी जहां आपने अभी कहा कि जहां तक सियासत पार्टियों का एक बड़ा दावा होता है जम्मू कश्मीर के आवामी लोगों के लिए, बेरोजगारी को यहां पर हटाना है, डेवलपमेंट यहां पर लाना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे यहाँ पर नेशनल कांग्रेस की बात करें, हर किसी के वादे खोखे हुए। लेकिन एक सवाल ही नहीं, जिस तरह से हम ग्राउंड पर देखते हैं, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि धारा 370 अगर आप वोट डालोगे तो धारा 370 खत्म करेंगे, लेकिन वो मानना पड़ेगा कि उन्होंने वो काम करके दिखाया, उस पर उन्हें वादा बंद था। लेकिन साथ ही साथ जब इस वक्त सरगर्मियां चल रही है सियासत पार्टियों के अंदर, जब एक बार फिर से जो है कश्मीर में उरूज उतर आ रही है, इसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताए या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को जिताए, जो इस वक्त वादे कर रहे हैं कि कल ये वादे पूरे करेंगे। और कहीं ना कहीं कहीं लोग ये भी कहते हैं कि जो नई पार्टियां बन चुकी है ये भाजपा की भी टीम है, कोई एक टीम कहता है, तो कहीं ना कहीं लोग भी अब परेशान हो चुके हैं कि आखिर। बिल्कुल, सियासी तौर पर शबरीज, सियासी तौर पर कई अटकलें लगाई जा रही हैं इस समय, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कदावर नेता जो हैं अपनी पार्टियों को छोड़ करके पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थाम रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले दौर में क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक राज सत्ता के लिए, एक केंद्रीय सत्ता के लिए दावेदार साबित हो सकती है जम्मू कश्मीर की ओर से? लेकिन जिस तरीके से हम, जिस तरीके मैंने बार बार कहा कि लोगों तक ये होता है, लोगों तक जब तक जिसको वोट नहीं डालेंगे तब तक, चाहे
बिल्कुल तो लोग उनके साथ नहीं होंगे तब तक, जिस तरह से हम जब जब कन्वर्शन होता है, जब सिनेमा सेमिनार होता है, तब अक्सर हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं कि जहां आपने देखा होगा कि पीडीपी के बहुत सारे अहम नेता जो है उसे चले गए हैं, वहां पर खाली 2-3 लीडर है, लेकिन वहां पर हम देख रहे हैं कि पीडीपी में भी काफी लोग है, और उस लोग में देखने के बाद लगता है कि क्या जीतेगी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का हम देख रहे हैं उसमें भी यही लगता है, और जब पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में देखते हैं तो तब भी लगता है कि आखिर जीतेगा कौन, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगा क्या कौन जीतेगा। लेकिन यहाँ पर ये मानना है आप लोगों का कि जो भी अब जीतेगा वो हमारे हक में बात करेगा, क्योंकि हमने बहुत कुछ अब देखा 17 सालों में, हमने हर सरकार को देखा है, लेकिन अब हम उस सरकार को चुनना चाहते हैं जो सरकार हमारी मुफाद में बात करेगा। बिल्कुल, क्या लगता है, क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिस तरह से अपनी कवायद को और ज्यादा तेज कर रहा है इलेक्शंस के दौर आने के नजदीक आने तक, तो क्या लगता है कि क्या और भी हलचल हो सकती है बाकी पार्टियों में, कुछ और कदावर नेता भी छोड़कर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हाथ थाम सकते हैं? क्योंकि एक और बड़ी बात आज हिलाल राठर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कही है कि एनसी के कई नेता हैं और भी पार्टियों के कई नेता हैं जो चाहते हैं कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामे, लेकिन ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के ऊपर निर्भर करेगा कि वो किसे अपनी पार्टी का हिस्सा बनाते हैं और किसे नहीं बनाते हैं। देखिए, वो राठौर साहब ने सच कहा कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो है वो कह रहे हैं हम चाहते हैं कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से अपनी पार्टी ज्वाइन करे। हमारे पास भी खबर है कि अली मोहम्मद सागर है, सलमान सागर है, या बहुत सारे ऐसे अहम नेता है जो ज्वाइन करने वाले हैं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। और शब्दीज ये कदावर नेता है एनसी के। जी, अली मोहम्मद सागर है, सलमान सागर है, बड़े बड़े नेता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वो ज्वाइन करने वाले हैं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ये हमारे से हमारे पास खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ से बाहर है क्या इनकी पहली ही ये कोशिश थी, क्या पहले ही इनके आपस में मशवरे थे कि हमें इस तरह की ये पार्टी बनाना है, फिर आप हमारे साथ रबते में रहना है। जिस तरीके से आपको भी पता होगा लगातार 2 पार्टियां इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर में सरगम होती जा रही है, जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी है और उसके साथ साथ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस है, ये 2 अहम पार्टियां हैं जिसमें बड़े बड़े नेता इस वक्त जा रहे हैं, वो जाए गए भी है, और बहुत सारे नेता जो है जो सिर्फ इस वक्त बात ये कर रहे हैं, जो पीडीपी में शामिल थे वो पीडीपी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल पहले थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ आज बोलते जा रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर होगा क्या, आखिर कौन पार्टी उरूज पर आएगी, आखिर कौन पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करे। जी शबरेज, सबसे बड़ी बात ये कि जैसा कि सज्जाद लोन ने भी कहा कि वो पिछले 15 साल से ये बात हिलाल राठर से कर रहे थे कि वो किसी न किसी तरीके से पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करें, और आज 15 साल का उनका जो वेट है वो खत्म हुआ है, इंतजार खत्म हुआ है, और आज हिलाल राठर ने बाकायदा एक आधिकारिक तौर पर सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी ज्वाइन कर ली है। शबरेज, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे बड़ी खबर इस समय यही कि हिलाल राठर, एनसी के कदावर नेता रहीम राठर के पुत्र हिलाल राठर ने आज आधिकारिक तौर पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन की पार्टी का हाथ थाम लिया है, और कहा यह जा रहा है, माना यह जा रहा है, और जैसा कि सज्जाद लोन ने भी कहा कि 15 साल का इंतजार खत्म हुआ, 15 साल से यह कवायद जारी थी कि रहीम राठर के पुत्र हिलाल राठर जो हैं वो एक नई पार्टी बनाते और किसी और पार्टी का हिस्सा बनते, और आज वो सपना उनका पूरा हुआ और आज उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। इसी तरह के लाइव अपडेट्स और अन्य जानकारी के लिए आप बने रहिए TNN वेब के साथ।